सब्सक्राइब कीजिए एम्ब्रोज रिएक्शंस यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप देख सकें हमारी वीडियोस सबसे पहले। हाय गाइस, वेलकम बैक टू एम्ब्रोज रिएक्शंस। दिस इज रेहान एंड दिस इज साहिल। सो वी आर बैक अगेन विद अनदर रिक्वेस्टेड वीडियो। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि रिएक्शन जो होने वाला है वो होने वाला है कोक स्टूडियो सीजन 12 के प्रोमो पे। बहुत एक्साइटेड है यार, सीजन 12 आने वाला है। हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं हमेशा से कोक स्टूडियो के, और सॉन्ग्स बहुत ही इनके कमाल के होते हैं। और इस बार सुना है कि प्रोड्यूसर इसके रोहिल हयात होने वाले फिर से, तो अब तो हम और ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि जब वो प्रोड्यूस करते थे उस टाइम के जो सॉन्ग्स थे वो अभी भी सुपरहिट हैं, वो एवरग्रीन सॉन्ग्स थे और बहुत मज़े आते थे वो। मतलब जैसे लड़ो मुझसे था एक सॉन्ग बिलाल खान का, वो जैसे लाते हैं ना जिन जिन सिंगर्स को लाते हैं वो सॉन्ग में, लाइक आतिफ असलम वो आज सुपरस्टार है, वो कोक स्टूडियो में जिन जिन को भी लाए हैं राइट, वो आज हम उनका नाम सुनते बोलते हैं यार ये तो सुपरस्टार है राइट। ऐसे लोगों को उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया बहुत सारे को, मतलब जो भी थे राइट, क्लासिकल म्यूजिक को भी उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, तो वो है कि मानना पड़ेगा कहीं ना कहीं। सो हम ये वीडियो देख लेते हैं और आगे, तो ये प्रोमो सॉन्ग है, देखते हैं प्रोमो में क्या होने वाला है। प्रोमो सॉन्ग है या प्रोमो है पता नहीं, पता क्या नहीं, है वो भी ये देख लेते हैं। पिछली बार आया था हम देखेंगे करके, हम देखेंगे। वो भी बहुत अच्छा था, इस बार देखते हैं ये क्या है। हियर वी गो, हियर वी गो। ओके, जब तक तो रूह है तब तक तो मौसीकी है, कुदरत की अता है मौसीकी के, इसमें हर तरह का एहसास पाया जाता है। कोक स्टूडियो का म्यूजिक नेक्स्ट लेवल होता है, आवाज इतना स्ट्रांग इंपैक्ट क्रिएट कर सकती है, आप उसका अंदाजा म्यूजिक से लगा सकते हैं राइट। अगर सुरों के जरिए किसी के दिल पे असर कर जाए तो जो सब दूरियां होती हैं कुछ अरसे के लिए खत्म हो जाती हैं राइट। म्यूजिक इज स्पिरिचुअलिटी, ज्योग्राफिया, तारीख, आइडेंटिटी। यूनिवर्स में है तो साइलेंस के अंदर भी एक मौसीकी है। हर आवाज में एक स्केल है, हर कोई चीज एक टाइम में होती है। अब हर्ट बीट ये भी एक टाइम ही है। एवरीवन रेडी? क्या बात, पता लिखा विशाल विशाल जी फेवरेट और मोस्ट फेवरेट। म्यूजिक इज अलाइव, म्यूजिक जिंदा है, इसे जिस्म का वजू पानी है, उस तरीके से रूह का वजू है म्यूजिक की। किसी भी चीज को आपके दिल में उतारने के लिए सुर का होना तो जरूरी है। I live everything through music. I think I want to give to the world through music what I got from music. It's just such a mood altering phenomena. म्यूजिक सब कुछ है, म्यूजिक इज एवरीथिंग। स्टार्टिंग अक्टूबर 11th राइट। वीडियो वाज अमेजिंग, इसमें ओवरऑल इन्होंने बताया है कि म्यूजिक क्या है, म्यूजिक क्या है और म्यूजिक से क्या क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं लोगों को। मेन चीज तो मुझे ये अच्छी लगी, इन्होंने जो जो स्टार्स को दिखाया राइट, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे वापस जैसा अब राहुल रक्ष से इन्होंने शुरुआत की, अब राहुल याद आ गया ना, वो याद आ जाता है भीगा, भीगा दिसंबर राइट और ये सब चीजें, फिर आतिफ असलम एंड लॉट्स ऑफ, मतलब बहुत सारे क्लासिक। हर सिंगर को देख के एक सॉन्ग याद आता है, जैसे आतिफ असलम को देख के ताजदारे हरम याद आता है, अबरार उलक को देख के भीगा भीगा सा दिसंबर याद आता है, राहत फतेह अली खान को देख के आफरी आफरी याद आता है, आदिया खान कियानी और बहुत सारे सिंगर्स थे जो आए थे और मतलब जिनको दिखाया गया था। और मैं भी इस साल भी हूँ तो अच्छी बात है, वो हूँ, बाकी नए टैलेंट को भी ये उभारते हैं जो कि मैंने देखा बहुत है, ज्यादा नए टैलेंट को बहुत ज्यादा, मतलब अगर लास्ट सीजन की बात करें हम तो नया ही टैलेंट देखा था, बहुत सारे ऐसे लोगों को लाए थे जो मतलब जिनका टैलेंट दुनिया ने नहीं देखा, वो बहुत टैलेंटेड है। ऐसे टैलेंट को उन्होंने दिखाया था दुनिया को, यही चीज वो बहुत अप्रिशिएटिंग चीज थी। और इस सीजन में भी मुझे लगता है ऐसा होने वाला है, और उम्मीद है कि इस सीजन में भी साहिर अली बग्गा
साहिर अली बग्गा हमारे फेवरेट है, मतलब उनके म्यूजिक के बिना तो, मतलब उनके सॉन्ग के बिना तो सीजन 12 कंप्लीट नहीं हो सकता, मुझे ऐसा लगता है कि साहिर अली बग्गा होना ही चाहिए, और आसिफ असलम भी हो तो मजे आ जाए, राहत फतेह अली खान तो हो तो और ज्यादा मजे आ जाए, मतलब किसका नाम छोड़ू मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। राइट, सो गाइस फाइनली वेट इज ओवर, कॉक स्टूडियो सीजन 12 आने वाला है, 11 अक्टूबर को बीच में इनका एक सॉन्ग आया था पेप्सी का हम एक है करके, तो तब मुझे लगा था कि यार सीजन 12 आने वाला है, लेकिन तब वो ऐसे ही पेप्सी का एक सॉन्ग था, ऐसे बीटीएस के भी कुछ सॉन्ग डाले हैं उन्होंने, वो सीजन नहीं है, वो बस सॉन्ग्स ऐसे सीजन से अलग हटके सॉन्ग डाले हैं उन्होंने कॉक स्टूडियो के, बाकी जो सीजनल सॉन्ग है वो 11 अक्टूबर से सीजन 12 शुरू हो जाएगा बिल्कुल, और 11 अक्टूबर पहला सॉन्ग कौन सा होगा, कौन उसका सिंगर होगा, ये सब देखना, और मुझे लगता है इस बार भी बहुत सारे ओल्ड सॉन्ग्स को रिक्रिएट किया जाएगा कॉक स्टूडियो में, जैसे इस बार तहस नहस ना किया जाए, उम्मीद है इस बार कोको कोरीना जैसा कुछ ना किया जाए, प्लीज इस बार किसी ओल्ड सॉन्ग की बैंड ना बजाओ, कुछ अच्छा करो, ओल्ड सॉन्ग अच्छे बनाए जा सकते हैं जैसे आतिफ असलम बनाते हैं, उनके मुझे कोई सा भी ओल्ड सॉन्ग सुनता होना तो मुझे बहुत मजा आता है, लाइक आप कोई सा भी ले लो, जैसे वो वाला सॉन्ग था खास करके तो गुलाबी आंखें, यार गुलाबी आंखें मतलब पूरी दुनिया का फेवरेट, पूरी दुनिया का बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि उन्होंने मतलब उसको जब से गाया है, अब आई थिंक उन्होंने कॉक स्टूडियो में अलग से गाया था ना उन्होंने, और इसमें इंडिया से भी बहुत से कमेंट है, जैसे कमेंट है हमें प्यार है आतिफ असलम से, लव फ्रॉम इंडिया, लव फ्रॉम इंडिया, वेटिंग फ्रॉम इंडिया, म्यूजिक बाउंड्रीज नहीं देखता है, म्यूजिक बॉर्डर नहीं देखता है, म्यूजिक आर्ट कभी भी बाउंड्रीज नहीं देखता है, आर्टिस्ट जो होता है वो आर्टिस्ट लोग जो होते हैं वो ये सब चीज़ नहीं देखते हैं, मतलब ये तो है कि कुछ लोग हैं, जैसे कि एक कमेंट आया था शोहेब करके कोई बंदे हैं, उन्होंने कमेंट किया था आतिफ असलम प्लस रोहिल हयात प्लस राहत फतेह अली खान प्लस अबू मोहम्मद प्लस शुजा हैदर, यस शुजा हैदर कौन बोल सकता है, शुजा हैदर प्लस साहिर अली बग्गा, मतलब ब्लॉकबस्टर, अगर ये सब हो गए, और फीमेल्स में भी आयमा बेग हो गई, कुतुलन बलोच और अपनी मोमिना मुस्तहसन, बहुत सारे हैं, मतलब ये अगर सीजन 12 में आ गए तो इस सीजन को ब्लॉकबस्टर आएंगे, वैसे प्रोमो में नहीं दिखाया ना मोमिना आयमा बेग, इनको आयमा बेग को दिखाया था, आयमा बेग को दिखाया था, खैर हमें बहुत वेट रहेगा कॉक स्टूडियो सीजन 12 का, हम जरूर रिएक्शन भी करेंगे इनके सॉन्ग्स पर, और हमारी साइड से कॉक स्टूडियो सीजन 12 के लिए कॉक स्टूडियो टीम को ऑल द बेस्ट, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, टिल देन मेक लव नॉट वॉर।